हेलो फ्रेंड्स, मैं सुसनियाल द ड्रंक रिवर। कैसे आप लोग? दुआ करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज 5 अक्टूबर है और मैंने सोचा लास्ट एक दो हफ्ते से मैंने कोई रिव्यू नहीं किया है विस्की का, तो मैं आज एक नया विस्की आपके सामने लाया हूँ। और ये बजट विस्की है, चीप विस्की है। लास्ट दो हफ्ते में मैं थोड़ा व्यस्त था, मतलब कि थोड़ा गेम में डूब चुका था। गेम खेल रहा था ब्लैक मिथ वुकोंग, जो आप मेरे इस चैनल में देख सकते हैं। मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ और खेल रहा हूँ गेम, और मुझे मतलब बहुत मज़ा आ रहा है भाई लाइव स्ट्रीमिंग में, मतलब ब्लैक मिथ वुकोंग गेम खेलना। तो इसी के कारण थोड़ी देरी हो गया, बट गेमिंग और दारू दोनों अगर मिक्स कर दे तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि गेमर्स लोगों को थोड़ा अपना सर को थोड़ा चलाने के लिए थोड़ा टॉनिक चाहिए। सो पेश है भाई आप लोगों के सामने, ये है आफ्टर डार्क ब्लू रेयर ग्रेन विस्की। ब्लू मतलब इसका पैकेटिंग ब्लू कलर में है, इसे ब्लू लिख दिया है, बट ये ग्रेन विस्की है। और सबसे बढ़िया बात है, इस पर कोई मोलेसिस नहीं है, मोलेसिस से बना नहीं गया है, ये ग्रेन से बनाया गया है। मतलब जैसे पकड़ ले व्हीट, मेज, बार्ली, इन सब का यूज़ किया गया है, तो इसलिए ग्रेन विस्की है, मोलेसिस विस्की नहीं है। सो आप देख सकते हैं कितना सुंदर, मतलब पैकेजिंग अच्छा है, एकदम सिटी का एकदम ब्लू पैकेटिंग है, और फिर नीचे में बिल्डिंग्स का ये दिया गया है। मेरा ये जो बॉटल मुझको मिला, मेरे ये फुल बॉटल है मेरे पास, ये 750 ml का बॉटल है, और इसका प्राइस मेरे असम गुवाहाटी में आज की तारीख में इसका गिरा है 440 rupees। सो वेरी बजट विस्की, मतलब आप बोल सकते हैं या गुड बजट विस्की। और इसको आप अगर ये इसको जब बनाते हैं, ये रेडिको कंपनी बनाते हैं। रेडिको कंपनी कौन है? जो रॉयल स्टेक बनाते हैं, ब्लेंडर्स प्राइड बनाते हैं, तो उन लोग कंपनी का मतलब उन रॉयल स्टेक और ब्लेंडर्स प्राइड के बीच में एक रेंज जो लाया जाता है। कोई अगर मतलब रॉयल स्टेक से थोड़ा ऊपर उठना चाहता है तो आफ्टर डार्क पी सकते हैं, कंपनी का दावा है, मतलब उससे थोड़ा अपग्रेड है। और ब्लेंडर्स प्राइस से अगर कोई नीचे नाम मतलब नीचे झुकता जाता, मतलब इकोनॉमी के कारण, मतलब थोड़ा खर्चा कम करे तो इसमें आ सकता है। मतलब ये बीच में पड़ता है रॉयल स्टेक और ब्लेंडर्स प्राइड का, तो देखते हैं। रॉयल स्टेक तो मैंने पिया है, ब्लेंडर्स प्राइड भी मैंने पिया है, तो बीच में अगर ये गिरता है आफ्टर डार्क तो कैसा होता है। बट एज ए बोल देता हूँ, इसका रिव्यू मतलब मैंने एक दो से कर लिया था, वो लोग बोला है ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। तो चले बोतल को निकालते हैं, देखते हैं। तो निकालने से पहले इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है ये पता कर लेते हैं हम लोग। इंग्रेडिएंट्स है डी मिलर्स वाटर, वाटर तो हो गया ही भाई, ग्रेन नेचुरल स्पिरिट, ग्रेन का नेचुरल स्पिरिट दिया गया है, ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच, मतलब स्कॉच मिलाया गया है, ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच का, जो मतलब सिंगल मॉल्ट नहीं, मतलब बहुत सारे स्कॉच का इसमें ब्लेंड करके उसका थोड़ा परसेंट दिया गया है। नेचुरल कलर एंड फ्लेवर, वो तो होगा ही आइडेंटिकल जो होता है, एक नेचुरल कलर दिया गया है, लेकिन इसमें वो नहीं लिखा है जो आपका कार्बोनेट से होता है, वो कलर नहीं दिया गया है, तो ठीक है, इसमें ठीक ठाक लिख दिया। चले खुलते हैं बोतल को, बोतल को मैंने निकालते बॉक्स से। पैकेजिंग देखिए, ये बॉक्स हार्ड है, लेकिन इसका जो नीचे का ये प्रॉब्लम दे रहा है। बहुत सारे कस्टमर बोल रहे हैं इनका फुल बोतल खरीदने के बाद जाते रहते, अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए, मतलब ये यहाँ से फट के निकल के जाता है। तो आप लोग जो कंपनी वालों को बोल रहा हूँ, आफ्टर डार्क का नीचे का ये जो पैकेजिंग का इसका जो ये है उसको आप ठीक कीजिए। ये बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये कमज़ोर है और बोतल निकल के गिर जाता है। दुकानदारी बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा, तो इसको नीचे पकड़ के ले जाइए, नहीं तो गिर गया तो आपका 440 rupees गया, 440 rupees गया। सो बोतल देखिए, बोतल एकदम राउंड है, सुंदर ही है और लंबा है एकदम, ऐसा नहीं शॉर्ट नहीं, एकदम लंबा है। वहाँ पे भी ब्लू स्टिकरिंग है आफ्टर डार्क का, देखने में अच्छा लग रहा है।
प्राइसिंग हिसाब से मैं बता रहा हूँ 440 रुपये में ये बजट विस्की है, अच्छा ही लगेगा। और मैं ये खोल क्या बोल रहा हूँ, मैं कल इसको खोल लिया था, मेरा भाई इसको टेस्ट करने का बोल रहा था, बहुत जिद कर रहा था, तो मैं बोला ठीक है ओके खोल लेता हूँ। मतलब इसका अनबॉक्सिंग थोड़ी ऑलरेडी हो गया है, तो एक पैक वो लगाया, एक पैक मैंने लगाया, तो उसको थोड़ा टेस्ट इसका क्या है वो पता चल गया है। ठीक है, डालते हैं ग्लास में। ज़्यादा नहीं, 90 ml, यहाँ पे रखते हैं बोतल को, थोड़ा बंद कर देते हैं, स्पीड उड़ने का चांस है। सो भाई इसका जो कलर है देख सकते हैं, थोड़ा डार्क है। मतलब आप अगर दूसरे विस्की से कंफर्म करेंगे, थोड़ा सा मुझको लगा ये थोड़ा डार्क है। अच्छा, इसके बाद एकदम लाइटली नीचे आ रहा है, मतलब लाइट है, मतलब उसका जो ये नहीं जम रहा है, मतलब फटाक करके ऊपर जा रहा है ना, तो ये ठीक है, वो चीज़ ठीक है, हैवी नहीं है, लाइट है। अभी चलिए नोजिंग करते हैं इसका। ग्रेन्स का पूरा ये आ रहा है मुझको, तो मेज का आ रहा है और बाली का आ रहा है, और स्पीड का जो है वो भी लग रहा है, और थोड़ा हनी और कैरेमलाइज्ड लग रहा है, कैरेमल का भी थोड़ा लगता ही है। नोजिंग में बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब 440 का माल में इतना मज़ा आ रहा है, तो चलिए थोड़ा नीट पी के देखते हैं। बट मैं इस प्रोडक्ट, इस टाइप के, मतलब इस बजट के प्रोडक्ट को कभी भी नीट पीना नहीं चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ पानी से पीजिए, आपको दिखाने के लिए मैं नीट का क्या होता है मैं वो थोड़ा मापिंग करूँगा, वो देखूँगा, ठीक है। उसके बाद ये पानी से पीना चाहिए, कभी भी नीट मत पीजिएगा। ओके, चीयर्स गाइस। गले से निकला है तो पूरा एकदम लगा, एकदम कुछ गया है, पर टेस्टिंग में मुझको लग रहा है थोड़ा हनी है, थोड़ा कैरेमल का ये मिल रहा है, हिंट मिल रहा है, और आफ्टर में वो बार्ली और मेज का मिल रहा है, बाजरा और ये सब का थोड़ा मिल रहा है, और जो हिट गया है वो बहुत कम है, ऐसा नहीं है जो दूसरा जो प्रोडक्ट इस प्राइस में मिलता है, बजट विस्की RS बोले, RC बोले, ये सब का आइकॉनिक 8 PM, उसके हिसाब से इसका जो स्पीड का मतलब जो रेग होता है, मतलब उसका जो ऐसा होता है ना फायर, मतलब जला गया, वो नहीं है इसमें, लाइट है। और इसीलिए मेरा जो फ्रेंड्स पीते हैं इसको आफ्टर डार्क, वो लोग बोलते हैं भाई इसका बहुत लाइट है और नशा भी कम चढ़ता है, तो मतलब इसको पी लिया पर नशा ही नहीं चढ़ा, ऐसा भी बोलते हैं। तो एक तरफ से देखा जाए हमको पीना है बट नशा कम हो, वो सबसे बेहतर बात है। तो मैं तो इसको रिकमेंड करूँगा भाई, इस बजट विस्की में आप अगर RC पी रहे हैं, RS पी रहे हैं, आइकॉनिक वाइट 8 PM, इस बजट में जो आता है, मैं तो कहूँगा ये सबसे बेस्ट है आफ्टर डार्क। और आफ्टर डार्क आप बोलेंगे तो मिलता नहीं है, इसका पब्लिसिटी नहीं किया जा रहा है, असल में ये बात यही है, इसका पब्लिसिटी कंपनी ने अच्छी तरह नहीं किया है, और लोगों में भी ये है, नया प्रोडक्ट आप पी के देखिए तब आप मालूम चलेगा डिफरेंस। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, देखिए मेरे रिकमेंड से आप लोग अगर मतलब आप पी के देखिए और आपको मुझे लग आप मैं 100% बोलूँगा यस भैया आप जो बोले हैं आफ्टर डार्क इस बजट में अच्छा है, आप पी के देखिए। और मेरे इस कहने से अगर इसका इस कंपनी का मतलब आफ्टर डार्क का मतलब ब्रांड का कंपनी तो बहुत बड़ा है, रेडिको दूसरा जो उनका RS ब्लेंडर्स का ये सब बिक रहा है, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो उसको थोड़ा मैं ये कर रहा हूँ जो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 20 वाले में अगर आप ब्लेंडर्स प्राइस से थोड़ा नीचे कम होना चाहिए तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। और कोई लोग जो अगर RS से कुछ अच्छा थोड़ा पीना चाहते हैं तो भाई ये भी तो आफ्टर डार्क इज गुड गुड।
सो मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ, ये बढ़िया बजट विस्की बढ़िया है, आप लोग पीजिए और मुझको बताइए कमेंट्स में, बताइएगा प्लीज़ जे आपको आफ्टर डार्क कैसा लगा। सो मैं इसको टेस्ट के हिसाब से 10 में से 7 दूंगा, अच्छा टेस्ट है, और प्राइसिंग के हिसाब से मैं 10 में से इसको 10 दूंगा, 10 में से 10 प्राइसिंग के हिसाब से बढ़िया प्राइस रखा है, बजट विस्की है और मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू आफ्टर डार्क का। अगर मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल द ड्रंक रिव्यूअर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझको कमेंट भी कीजिएगा प्लीज़। यही चाहता हूँ, आप लोग का प्यार ही चाहिए, या आपका प्यार पाने से ही तो भाई ये सुबह सनियाल द ड्रंक रिव्यूअर, सुबह व्रत सनियाल द ड्रंक रिव्यूअर जिंदा है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और विस्की रम वोडका जिन वाइन के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए सुबह से जल्द ड्रंक रिव्यूअर साइनिंग ऑफ, गुड नाइट।